हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो मैंने ना जनाब का ब्लॉग देखा। इस ब्लॉग में जनाब के साथ, मतलब जनाब ने बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें कर दी। ऐसे तो की है एक ही चीज़, लेकिन बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर करके दिखाना, ताकि ब्लॉग थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे, क्योंकि वैसे भी दिखाने के लिए कुछ तो है नहीं इनके पास में। ऐसे तो नल्ला निकम्मा बैठा हुआ है घर पे, तो घर का ही ब्लॉग बना लेता। आफ्टरऑल अभी घर का रेनोवेशन चल ही रहा है, कहाँ तो इनका जुलाई के एंड तक में घर पूरा कंप्लीट हो जाने वाला था, और अभी तो सितंबर आ चुका है, लेकिन अभी भी घर कंप्लीट नहीं हुआ। ये अभी भी घर बन ही रहा है, तो वही सारी चीज़ें दिखा देते हैं। लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, जनाब तो खैर मैन चाइल्ड है, उसे अपने मैन चाइल्ड से फुर्सत ही नहीं मिलती, अपने आप को सजने संवारने से फुर्सत ही नहीं मिलती, तो फिर क्या ही ब्लॉग शूट करेगा। तो फिर भी किसी तरह जनाब ने इधर उधर के ब्लॉग शूट कर करके और फिर दिखाया है। तो आज के इस पॉडकास्ट पे बात करने वाले उन सारी चीज़ों के बारे में। बट उससे पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करिएगा, ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और लास्ट में जब आपको वीडियो पसंद आएगा तो फिर वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। तो चलिए हम बढ़ते अपने वीडियो में आगे और बात करते हैं जनाब की हरकतों के बारे में। तो जनाब के व्लॉग में जैसा कि देखने को मिला कि वो जवान मूवी देखने गए हैं, और वो भी अकेले, बिकॉज मैडम साहिबा को अभी जाना अलाउ नहीं था। जाहिर सी बात है कि रूहान छोटा है, तो इतने छोटे से बच्चे को लेकर के आप थिएटर नहीं जा सकते हो, क्योंकि उतना सारा नॉइज़ वगैरह होता है, उतना हाई वॉल्यूम में थिएटर पर मूवी चलती है, तो वो सारा नॉइज़ बच्चे के लिए ख़राब करेगी, बच्चे के लिए सही नहीं है। तो चलो, इस चीज़ के लिए मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि कम से कम मैडम ने अपने बच्चे के बारे में इतना तो सोचा। फर्स्ट टाइम मैडम ने मैन चाइल्ड को छोड़ करके अपने बच्चे के बारे में सोचा, और मैन चाइल्ड के साथ में थिएटर नहीं गई, मूवी देखने नहीं गई, मतलब बहुत बड़ा त्याग कर दिया मैडम ने। तो खैर, वेरी गुड मैडम, कम से कम एटलीस्ट थोड़ा तो सुधार आ गया आपके ऊपर में। लेकिन जनाब बार बार उसे टॉन्ट कर रहे हैं कि तुम नहीं गई, तुम्हें लेकर के नहीं गया, मैं अकेले जवान देखने गया, तुम नहीं जा पाई। मतलब जानबूझ करके टॉन्ट करना ताकि ब्लॉग बन सके, ब्लॉग में कुछ दिखाने का हो सके। अब जाहिर सी बात है कि मैडम नहीं गई तो मुँह तो सिगड़ा हुआ था ही मैडम का, गुस्से से तो आग बबूला हो ही चुकी थी, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि फर्स्टली तो उसे अभी अपने बेबी को देखना है, अदरवाइज़ फिर ट्रोल हो जाएगी कि बच्चे के चलते नहीं गई लेकिन अपने मैन चाइल्ड के चलते चली गई, तो बच्चे का ध्यान नहीं रखा, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, नहीं जाना चाहिए था, ये वो। इस चलते मैडम नहीं गई कि ट्रोलिंग होने से भी बच जाएंगे। लेकिन जनाब की हरकतें बाज नहीं आती, वो तो टॉन्ट करते ही रहते, खुद भी टॉन्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ रेहान को भी बुला लिया है कि तुम भी आकर के यहाँ पर जवान के बारे में क्लियरली डिस्क्राइब करो कि कैसा मूवी है, कैसा था, नहीं था, अच्छा था, ख़राब था, ताकि मैडम चिढ़ते रहें, और वो चिढ़ करके अपना ऊपर नीचे आगे पीछे जो फालतू का चेहरा जो बनाते रहती है, फालतू की इमोजीज अपने फेस पर दिखाते रहती है, वो दिखाए और थोड़ा सा इनका व्लॉग इंटरेस्टिंग हो जाए। तो ये सारी तो खैर हरकतें जनाब कर रहे थे अपने व्लॉग में, जो कि पूरी ही वाहियात लग रही थी देखने में। उसके बाद आप एक और चीज़ नोटिस करो कि इन्होंने रूहान को ब्लैक कलर का ड्रेस पहना करके रखा है। आई मीन सीरियसली, कोई अपने बच्चे को ब्लैक कलर का ड्रेस ऊपर से नीचे पहना करके रखता है, वो भी इतने छोटे से न्यू बॉर्न बेबी को? I mean, ऐसा नहीं कि ब्लैक कलर का ड्रेस नहीं पहनाते हैं, लेकिन हाँ थोड़े मोड़े उसमें प्रिंट रहते हैं किसी और कलर का, या फिर कलर कॉम्बिनेशन रहता है ब्लैक के साथ में कोई और कलर रहा। ये ऊपर से नीचे ब्लैक कलर का जो बच्चे को पहना करके रख दिया है, मतलब कहीं मैंने ऐसा देखा नहीं है कि हाँ पूरे बच्चे को, अभी न्यू बॉर्न जो बेबी है उसे ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लैक पहना करके रखा हुआ। बोला जाता है ना कि ब्लैक एक अच्छा कलर नहीं होता, मतलब कभी आप पूजा में या फिर किसी चीज़ में अगर आपको कुछ यूज़ करना रहे, कोई कपड़ा वगैरह, तो ब्लैक नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारे हिंदू कल्चर में अष्टमी के दिन, दुर्गा अष्टमी के दिन कपड़ा वगैरह चढ़ता है, तो अगर आप चढ़ाते हो अपने घर पे तो क्या होता है कि ब्लैक कलर का नहीं होना चाहिए। अगर आप साड़ी चढ़ा रहे हो या फिर शर्ट वगैरह चढ़ा रहे हो तो उसमें ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए। ब्लैक नहीं होना चाहिए मतलब पूरा ब्लैक नहीं होना चाहिए, और जिस कलर का है उसमें हल्का सा भी ब्लैक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, ज़रा सा भी ब्लैक नहीं होना चाहिए। और यहाँ ये लोग अपने बच्चे को पूरे ब्लैक कलर का कपड़ा पहना करके रखे हुए हैं, मतलब किसी भी मतलब रिचुअल्स को फॉलो नहीं करना। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि तुम हिंदू कल्चर को फॉलो करो, मैडम साहिबा तो इस बारे में अच्छे से जानती होगी क्योंकि वो तो हिंदू कास्ट की ही है, लेकिन फिर भी अब जब तुम अपने कास्ट को चेंज कर चुकी हो तो फिर भी ब्लैक टोटली पहनाना इज़ नॉट राइट। मेरे हिसाब से तो खैर मैडम ने ये बहुत गलत किया, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। उसके बाद देखने को मिल रहा है इनके व्लॉग में क्या,
कि स्पेशली व्लॉग के लिए अम्मी को और बेटी खाला को बुलाया है ऊपर। ध्यान से नोटिस करिएगा तो आप लोग को ये भी पता चलेगा कि बेटी खाला और अम्मी जो है वो पहले से आकर की खड़ी थी, लेकिन जैसे ही व्लॉग चालू किया तब उन लोगों ने चलना स्टार्ट किया, जो कि साफ क्लियरली समझ में आ रहा है इनके व्लॉग में कि व्लॉग के लिए ही ऊपर बुलाया है दोनों को। तो मतलब सिर्फ और सिर्फ व्लॉग व्यूज़ यही करना है इन्हें, और व्लॉग के लिए कुछ भी करो, किसी को भी कंटेंट बना लो, किसी को भी कंटेंट बना करके दिखा लो, सिर्फ यही करना आता है इन लोगों को। उसके बाद जनाब जब टॉन्ट कर रहे थे मैडम को बार बार, तब ये चीज़ स्पेशली दिखाना कि वो फीड करवा रही है, स्पेशली कैमरा उनके तरफ कर करके दिखाना कि देखो वो फीड करवा रही है। मैडम उस समय रूहान को फीड करवा रही थी, उसने जो अपना नया एक पिलो टाइप का मंगवाया है कि जिससे उसे आसानी हो रूहान को फीड करवाने में, वो लेकर के उसे कवर कर करके मैडम उसे फीड करवा रही थी। जनाब बार बार उसे टॉन्ट कर रहे हैं, बार बार जवान के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं और दिखा रहे हैं मैडम को कि देखो वो फीड करवा रही है। मतलब फीड वाला जो सिलसिला इन लोगों का है ना, वो ख़त्म ही नहीं होता है। दोनों के बीच में कन्वर्सेशन भी चल रही थी जनाब और मैडम के बीच में कि रूहान जो है वो खेल रहा है और जनाब गए थे उसे उठाने के लिए, तब मैडम ने कहा कि नहीं नहीं मत जाओ उसे उठाने के लिए, बिकॉज ये वाला फीड कर करके वो खेलता है, ये वाला फीड ले करके वो खेलता है। तो अरे भैया बार बार फीड बोलने का क्या ही ज़रूरत है, बोला तो कि सबको ये मान चुके हैं, सबको यकीन हो चुका है कि आप ही उसकी ओरिजिनल मदर हो, सरोगेसी से बेबी नहीं हुआ है और आप ही उसे फीड करवाती हो, लेकिन फिर भी मैडम तो सुधरेगी नहीं, फीड का रट्टा लगाते रहेगी। वेल गाइस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।